भारत से हर साल अरबों डॉलर चूस रहे थे गूगल और एप्पल। भारतीय इंजीनियर्स ने पकड़ा और काट दी सप्लाई चेन। अब नया ऐप लॉन्च करने के लिए नहीं देनी पड़ेगी लाखों की कमीशन। अमेरिकन कंपनियों पर भारत ने लगाई कसकर लगाम। एप्पल हैरान, गूगल परेशान। दोस्तों 99.9% भारतीय अपने मोबाइल में जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं वो या तो गूगल प्ले स्टोर से करते हैं या फिर एप्पल स्टोर से। और क्या आप जानते हैं कि जब भी आप उस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो उनमें जो एडवर्टाइज्ड आती है या आप इन परचेज करते हैं तो उसका एक काफी बड़ा हिस्सा गूगल या एप्पल के ऐप स्टोर ले जाते हैं। ऐसे में डेवलपर को इतनी मेहनत करके ऐप या गेम बनाने के बावजूद कुछ खास कमाई नहीं हो पाती, जिससे कुछ इंडिविजुअल डेवलपर्स का बिजनेस शुरू होने से पहले ही ठप पड़ जाता है। लेकिन अब मेक इन इंडिया के तहत भारत ने आईटी सेक्टर में ऐसा तगड़ा दाव खेला है कि पूरी दुनिया में मोनोपोली दिखा रही गूगल और एप्पल के पसीने छूट गए हैं। अब देखा जाए तो पिछले 2 दशकों से टेक्नोलॉजी फील्ड में गूगल को आज तक कोई भी देश टक्कर नहीं दे पाया, लेकिन भारत के इस आत्मनिर्भर कंपनी ने गूगल को सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया है। भारत के डेवलपर्स को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है जिससे उनका पिछले कई सालों से इंतजार था। आपको बता दें कि भारत का यह स्टार्टअप पहले गूगल को भारत से पछाड़ेगा और अरबों डॉलर्स देश से बाहर जाने से रोकेगा। फिर ग्लोबल मार्केट में भी अपनी कदम रखकर गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिकी कंपनियों को कड़ी टक्कर देखा। इसी वजह से गूगल को भी अपनी बादशाहत खोने का डर सता रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि इस इंडियन स्टार्टअप ने ऐसा तो क्या बना दिया कि दुनिया भर के आईटी सेक्टर में सिर्फ भारत का ही नाम गूंज रहा है। जानने से पहले अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिख डालिए। दोस्तों सबसे पहले इन आंकड़ों पर नजर डालिए। जब हमने इंटरनेट पर सर्च किया कि दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल एप्लीकेशन किस देश में बनते हैं तो पता चला कि 33.5% ऐप्स के साथ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका पहले स्थान पर है, जिसके बाद 15.9% के साथ चाइना और उसके बाद भारत 5.1% मोबाइल एप्लीकेशंस बनाता है। अब ये बात बहुत अच्छी है कि भारत आईटी इंडस्ट्री में टॉप 3 कंट्रीज में पहुंच चुका है। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा तो होता यह है कि एंड्रॉयड मोबाइल किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए हम गूगल प्ले स्टोर पर जाते हैं जहां करोड़ों ऐप्स मौजूद हैं। वहीं से ऐप को इंस्टॉल करके हम अपने मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं, यानी प्ले स्टोर एंड्रॉयड मोबाइल के दिल की धड़कन है और उसके बिना एंड्रॉयड मोबाइल किसी काम का नहीं है। अब इसी बात का फायदा उठाते हुए गूगल प्ले स्टोर अपने देश की एप्लीकेशंस के ऊपर दिखाने के लिए हर तरह की सेटिंग करता है, उनकी रेटिंग्स भी अच्छी बनाए रखता है। और हम इंसानों की साइकोलॉजी है कि जो चीज़ पहले दिखती है हम उसे जल्दी खरीद लेते हैं। नतीजन इन ऐप्स को ज़्यादा कंज्यूमर्स इस्तेमाल करते हैं और उनका यूज़र बेस तगड़ा बन जाता है। यकीन मानिए कि आपको मोबाइल में जितने एप्लीकेशन हैं उनमें से 70 से 80% ऐप्स अमेरिकन ही होंगे, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, ट्विटर, थ्रेड, गूगल क्रोम, अमेजन, नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और यूट्यूब वगैरह। जी हाँ, ये सभी ऐप्स अमेरिकन कंपनीज ने ही बनाए हैं। और अब आप इन ऐप्स का इस्तेमाल जब करेंगे तो उसमें आपको जो भी एडवर्टाइज देखेंगे या इन परचेज ऐप दिखेंगे, उनकी कोई सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो आप पूरा पैसा सीधा अमेरिका को दे रहे हैं। 70% हिस्सा उन कंपनीज को मिलता है और करीब 30% हिस्सा गूगल ले लेता है, जो कि खुद भी अमेरिकन कंपनी है। अब अगर कोई भारतीय अपना एप्लीकेशन बना भी ले तो उसके यूजर्स तक पहुँचाने के लिए गूगल प्ले स्टोर में डालना ही पड़ेगा, तभी गूगल अपनी मोनोपोली दिखाते हुए प्लेटफॉर्म चार्ज के रूप में 30% कमीशन ले लेगा। यानी एक तो एप्लीकेशन बनाई इंडियन कंपनी ने और इसका इस्तेमाल भी भारतीय लोग ही कर रहे हैं, फिर भी 30% पैसा सीधा अमेरिका जाएगा। यानी कुल मिलाकर गूगल ने भारत और दुनिया के 193 देशों से तो सीधा अमेरिका पैसा पहुंचाना शुरू कर दिया है और ऐसी पाइपलाइन बिछा रखी है जो उसे हर साल अरबों खरबों रुपए दे रही है। और अगर आपके पास एंड्रॉयड की जगह आईफोन है तो एप्पल का ऐप स्टोर भी इसी तरह की कमीशन लेकर अमेरिका की इकोनॉमी को ही बूस्ट करेगा। यानी उंगली यहाँ से पकड़ो या वहाँ से भारत का लुटना तय है। लेकिन अब एक भारतीय कंपनी ने इस दिग्गज आईटी कंपनी के सामने कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की हिम्मत दिखाई है, जिसे देख गूगल के भी पसीने छूट गए हैं। और ये एप्लीकेशन बनाई है भारत की दिग्गज फिनटेक कंपनी फोनपे ने। जी हाँ, फोनपे के इस प्लेटफॉर्म का नाम है इंडस एप्सटोर और इसमें गूगल प्ले स्टोर को पछाड़ने की पूरी काबिलियत है। दोस्तों आप में से 90% लोग पहले से ही फोनपे का इस्तेमाल जरूर करते होंगे, जो एक डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन है जिसके जरिए हम यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हैं, बिल्स भर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं और अब इंश्योरेंस भी कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों में जहां चाइनीज इन्वेस्टर्स के दबाव में पेटीएम पूरी तरह से डूब गया, वहीं फोन पे लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या फोन पे का नया ऐप स्टोर गूगल को टक्कर दे पाएगा? तो इसका जवाब हमें पहले ही मिल चुका है। जी हाँ, डिजिटल पेमेंट्स की कैटेगरी में फोन पे ने गूगल के प्रोडक्ट गूगल पे को पहले ही पछाड़ दिया है और देश का नंबर 1 पेमेंट एप्लीकेशन बन चुका है। अब बारी है गूगल के सबसे बड़े प्रोडक्ट यानी कि प्ले स्टोर को धूल चटाने की, ताकि अमेरिका भी समझ जाए कि आईटी इंडस्ट्री में भारत का भौकाल बनने वाला है, जिसके जरिए फोन पे की आईटी टीम ने पूरे 3 सालों तक दिन रात मेहनत करके इंडस ऐप स्टोर बनाया है और अब इसे लॉन्च करके भारत के डेवलपर्स की जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा उन्हें मिलने वाला है, क्योंकि इंडस ऐप स्टोर में 0 कमीशन है। जी नहीं, आपके कान नहीं बज रहे हैं, बल्कि ये पूरी तरह से सच है, क्योंकि इंडस ऐप स्टोर ने अपना प्लेटफॉर्म वाकई बिल्कुल फ्री रखा है और यहाँ ऐप को लॉन्च करने के लिए डेवलपर्स को कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी और ना ही एप्लीकेशन के प्रीमियम प्लान्स में जो कमाई होगी उसमें से कोई भी कमीशन देनी पड़ेगी। दरअसल गूगल सभी इन ऐप चार्जेस में डेवलपर से 15 to 30% कमीशन लेता है और उनकी पेमेंट कस्टमर्स से पहले गूगल के पास आती है, फिर कमीशन का हिस्सा काट कर गूगल बचे हुए डेवलपर्स को पैसे देता है। लेकिन इंडस ऐप स्टोर ने ऐप्स को और गेम्स बनाने वाले डेवलपर्स को पेमेंट के लिए थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करने की परमिशन दी है, यानी आप ग्राहक से अपने पैसे खुद ही कलेक्ट कर लो और उसमें से इंडस का कोई हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है। जो देखकर भारतीय कंपनियां इतनी खुश हो गई हैं कि इंडस पर ऑलरेडी 2 लाख गेम्स और एप्लीकेशन लिस्ट भी हो चुके हैं, यानी आप उन एप्लीकेशन को डायरेक्ट इंडस ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इन 2 लाख डेवलपर्स में ब्लिंकिट्स, ज़ोमैटो, डीजी, लॉका, मेक माई ट्रिप, ड्रीम11, कोटक, मैप माई इंडिया, किसीगो, अपस्टॉक, टाइम्स ऑफ इंडिया और यहाँ तक कि अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का बिंग ब्राउजर भी शामिल है। इसी से पता चलता है कि इंडस ऐप स्टोर पर डेवलपर्स को कितना ज़्यादा भरोसा है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि इसके एक यूज़र के तौर पर हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जब यूजर्स प्ले स्टोर से इंडस ऐप स्टोर पर शिफ्ट करेंगे तो गूगल की बादशाहत खत्म होगी ना। तो आपको बता दें कि इंडस ऐप स्टोर को 100% यूज़र फ्रेंडली बनाया गया है, जिसके लिए इसमें भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है, यानी अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो वो अपनी भाषा इंडस ऐप स्टोर से चला सकता है और यहाँ से ज़रूरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकता है। इस ऐप स्टोर में 45 से भी ज़्यादा कैटेगरीज के 2 लाख ऐप्स और गेम्स लिस्ट हो चुके हैं और इसमें शॉर्ट वीडियोस बेस्ड सर्च ऑप्शन भी शामिल है, यानी कि फोन पे न्यू टेक्नोलॉजी को अपने ऐप स्टोर पर शामिल करने में सबसे आगे है। इसके अलावा यह नया ऐप स्टोर यूजर्स को अपने डिवाइस पर स्टोरेज को मैनेज करने में मदद भी करेगा। इंडस ऐप स्टोर पिछले महीने के उपयोग के हिसाब से आपको बताएगा कि आप कौन से ऐप को डिलीट कर सकते हैं, जिससे आपके मोबाइल का स्टोरेज फुल ना हो और वह हैंग हुए बिना स्मूथली चलता रहे। इतना ही नहीं, यूजर्स की सिक्योरिटी के लिए इसमें 2 स्टेप्स वेरिफिकेशन का फीचर्स भी दिया गया है, यानी जब भी आपके मन अपने इंडस अकाउंट में लॉगिन करना होगा तो पहले आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगी। मित्रों, अगर आप इंडस ऐप स्टोर डाउनलोड करके भारतीय कंपनी का सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इसे कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट से अपने मोबाइल में डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं, फिर यहाँ मौजूद अनगिनत ऐप्स को डाउनलोड करके अपना जीवन आसान बना सकते हैं। हालांकि दोस्तों, गूगल प्ले स्टोर को टक्कर देने के लिए इंडस ऐप स्टोर को काफी मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर भारत के 95% ऐप मार्केट पर राज करता है, जबकि 5% बाकी मोबाइल कंपनीज के ऐप स्टोर हैं, जिन्होंने इंडस की तरह कोशिश की थी लेकिन फेल हो गए। लेकिन इंडस ऐप स्टोर ने गूगल को पछाड़ने के लिए काफी तगड़ा प्लान बना लिया है, जिसके लिए कंपनी सबसे पहले सैमसंग, ओप्पो, OnePlus, वीवो और शाओमी जैसे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स से डील करेगी कि उनके मोबाइल के साथ इंडस ऐप स्टोर इनबिल्ट यानी पहले से ही दिया जाए, ताकि यूजर्स को इस वेबसाइट से डाउनलोड करने की जरूरत ना पड़े। आपको बता दें कि इंडस ने नोकिया और लावा के साथ तो पार्टनरशिप डील भी फाइनल कर ली है और अब अगर आप नोकिया या लावा का मोबाइल खरीदोगे तो आपको इंडस ऐप स्टोर पहले से इंस्टॉल्ड मिलेगा, जो एक स्टार्टअप के लिए काफी बड़ी उपलब्धि है। और इंडस ऐप स्टोर का पहला टारगेट 2024 के अंत तक 30 करोड़ यूजर्स पाने का है, जिसके बाद कंपनी ग्लोबल मार्केट की तरफ बढ़ेगी, जिससे इंडस पर लिस्ट किए गए भारतीय ऐप्स दुनिया भर में मशहूर होंगे और भारत की आईटी इंडस्ट्री का बिजनेस बढ़ेगा। ये लिख लीजिए कि दोस्तों, आने वाले 10 साल में भारत की IT इंडस्ट्री में जबरदस्त बूम आने वाला है। खैर दोस्तों, अगर आप अगले 10 सालों में इंडिया के IT सेक्टर का कहाँ देखना चाहते हैं कमेंट्स में बताइए। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि ये खबर देश के कोने कोने तक फैल सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए ताकि आपको हमारे हर दिलचस्प वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत।